नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में भी आज से 15 साल से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है। राज्य में 23,98,000 किशोरों का टीकाकरण होना है। राजधानी रांची में आज 5 स्कूलों में टीकाकरण कैंप लगा है। डीएवी हिकल, मारवाड़ी स्कूल, जिला स्कूल गौरीदत्त, मंटेलिया स्कूल, गवर्नमेंट प्लस हाई स्कूल कांके में कैंप लगा है। किशोरों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। पहली डोज के 28 दिनों के बाद दूसरी डोज का टीका लगेगा। राजधानी रांची में 2,11,000 किशोरों को टीका लगेगा। रांची के मारवाड़ी प्लस टू स्कूल का जायजा लिया सहयोगी अंजलि ने। इस वक्त हम रांची के मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय में हैं और यहाँ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। पूरे रांची में देखेंगे तो 2 लाख से ऊपर जो है 15 से 18 वर्ष के जो स्कूली बच्चे हैं और उन्हें वैक्सीनेट किया जाना है और इसकी शुरुआत हो गई है। इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से हो रही है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑन द स्पॉट टीम भी मौजूद है, मेडिकल की पूरी टीम है। यहाँ देखिए एक बच्चा जो मोबाइल लेकर आया है उसे तमाम जो यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद जो है यहाँ पे बच्चा आएगा, यहाँ बैठेगा और टीका जो है वो उसे वैक्सीनेट किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारी जो सिस्टर्स हैं यहाँ पहुँच गई हैं वैक्सीन लेकर, और ये बच्चों जो है को वैक्सीन दिया जाना है और इसकी शुरुआत हो गई है। और हम थोड़ा मैम से भी बात करेंगे। मैम, एक बड़े अभियान की शुरुआत जी, बहुत अच्छा ये शुरुआत हुआ है क्योंकि अभी बच्चों पर ही ज़्यादा नज़र है और परीक्षा का भी समय है, तो सरकार का पहल बहुत ही अच्छा है कि स्कूलों में सबसे पहले शुरुआत हो गया है। स्कूलों में शुरुआत हो गई है और यहाँ आप देखेंगे ये बच्चा जो है वैक्सीन लेने के लिए यहाँ बैठ गया है और जो सिस्टर है वैक्सीन लेकर आई है और धीरे धीरे करके एक एक बच्चे का जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो देखिए ये बच्चा जो है इसके इसे टीका लग रहा है और आराम से बैठा है, ठंड भी है तो टोपी भी लगाए हुए हैं। तो ये टीकाकरण अभियान की शुरुआत रांची में हो गई है। और तुमने वैक्सीन ले लिया, घर से जब आए तो क्या बोल रहे थे माँ बाबा? माँ बाबा बोल रहे थे कि ठीक है। सिस्टर कितना लेकर आए हैं? अभी तो हम लोग का टारगेट 300 का है और अभी तक में बस 3 या 4 ही हुआ है। धीरे धीरे, हाँ। जो टीम है यहाँ पहुँच गई है और टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी मारवाड़ी स्कूल में हो गई है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ भी 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण करवाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात, उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत किया है। अगर कल शाम अगर बात करें, क्योंकि कल ओपन किया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कल 7:30 बजे शाम तक का जो रजिस्ट्रेशन था वो 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो बच्चों को वैक्सीनेट करने की बात जो कही जा रही थी। दिल्ली में 9 बजे से स्टार्ट है और उन्होंने कहा गया है कि जो सेंटर है, जो पहले का जो सेंटर था जहां अमूमन जो बड़े एज के बच्चों, बड़े एज के लोगों को वैक्सीनेट कराए गए थे, तो उसी सेंटर में किया गया है। लेकिन बच्चों को लुभाने के लिए उसको तरीके से बनवाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना के जो वैक्सीनेशन के बाद, उसके बाद जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा और जो किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर नहीं होनी चाहिए, सभी ये एहतियात के तौर पर सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको कहा गया है और चीफ सेक्रेटरी जो है सभी को एहतियात के तौर पर उन्होंने अलर्ट किया गया है और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो स्वास्थ्य विभाग के जो सेक्रेटरी है उनको भी अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह के की जो है अनदेखी नहीं किया जाए और वैक्सीनेशन के बाद जो
प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। दिल्ली में सभी जगह से स्टार्ट हो गया है अभी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं एक बच्चे से मिलवाऊंगा जो झारखंड का है, उसको पहला सुई दिल्ली में जो पड़ा है वो भी हमारे सामने होंगे, क्योंकि अभी वो सेंटर के अंदर वो गया हुआ जी अमर, बिल्कुल तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीन को लेकर के। बिल्कुल उसी का नतीजा था कि अगर कल रजिस्ट्रेशन से ओपन करने के बाद 7:30 बजे तक 8 लाख की संख्या अगर आ जाए तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना जो अब बच्चे जो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी एक्टिव हैं, क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो केसेस हैं उसको अगर बात करें कि फिर से दिल्ली की अगर बात आप करें तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की जो प्रचलन है उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ जो है ऑड इवन सिस्टम भी लागू हो गया, दुकानें जो है वो ऑड इवन से खुलेगा, गाड़ियां ऑड इवन से चलेगी और भीड़ भाड़ के जितने भी मार्केट्स हैं उसको बंद कर दिया गया। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है और आपको स्टेप लिया गया है क्योंकि ओमिक्रॉन के भी मामले दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं और कोरोना के भी मामले देखने को मिल रहे हैं। अमर आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अंजनी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है और अगर बात की जाए तैयारी की तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी देखी जा रही है, क्या सेंटर में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखा जा रहा है? देखिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। पहले हम तस्वीर थोड़ा दिखाते हैं, देखिए बच्चे जिन्हें वैक्सीनेट होना है बच्चे मास्क लगाए हैं और पूरे एक बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, तो ये प्रोटोकॉल का पालन है। और इस तरफ आप देखेंगे कि सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर है और रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक बच्चा वहाँ जाएगा और वहाँ टीका जो है उन बच्चे को लगेगा। हमारे साथ डॉक्टर शशि है, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग ये कर रहे हैं रांची जिला में, तो क्या प्रशासन के तरफ से कितने सेंटर बनाए गए हैं, मेडिकल की क्या टीम है। और डॉक्टर साहब सबसे पहले न्यूज 11 में स्वागत है आपका। हाँ ये बताइए कि पूरे रांची में टोटल यदि आज देखा जाए तो कितने सेंटर है जहाँ 15 से 18 साल के लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और स्कूलों में कितने सेंटर बन रहे हैं? आज के लिए 5 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिसमें 4 शहरी क्षेत्र के हैं, 1 ग्रामीण क्षेत्र में कांके ब्लॉक का है, जहाँ के स्कूल के बच्चों को वैक्सीन, उसी स्कूल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके अलावा हर एक प्रखंड में 15 से 18 साल के लिए अलग से CVC बनाए गए हैं जिसमें कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो है और CDPO, ये चारों लोग मिल के प्लान करेंगे कि उनको कहाँ कहाँ टीम भेजनी है। वो लोग उनके हिसाब से अपने अपने प्रखंड में अपने अपने हिसाब से वो लोग काम करेंगे। इसके अलावा 7 अन्य जगहों पर जिस स्कूल में अभी हमारा कैंप नहीं लगा है लेकिन उन उम्र के बच्चे अगर वो चाहते हैं तो वो 7 उन जगहों पर जाके टीका ले सकते हैं। बताइए सर कि आज एक दिन का लक्ष्य क्या है, कितने बच्चे वैक्सीनेट होंगे रांची में? दिन का लक्ष्य वैसा नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को दे पाए, जितना जिस समय के रहते तक में जितने लोग को भी हम लोग दे सकेंगे उतना दे पाएंगे, वो हम लोग कोशिश पे हैं। शुरू हो चुका है और सभी केंद्रों का यही है कि जितना से जितना ज्यादा हो सके बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनबाद से दिलीप बने हुए हैं। दिलीप क्या वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है? में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सदर अस्पताल समेत 24 केंद्र बनाए गए और इस वक्त हम धनबाद के गुजराती स्कूल में जो बैंक मोड़ में स्थित है, देखिए यहाँ पे गुजराती स्कूल में देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट भी पहुंच रहे हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी और जो वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बहुत शिद्दत के साथ यहाँ पे वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जो आधार कार्ड है उनके फोटोकॉपी लाने हैं, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो जो घर में जो मोबाइल नंबर है उनको लेकर के आना और
यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो धनबाद के सांसद है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, पूरी वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे। हमारे साथ गुजराती समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कितनी बड़ी पहल है ये, इस तरह के वैक्सीनेशन अभियान से बच्चों को जोड़ने की पहल, कितनी बड़ी पहल है ये सरकार की। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बच्चों के लिए लोगों ने वैक्सीन का डोज लेने के लिए ये दिशा निर्देश दिया और लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। दूसरा कि जिस तरीके से तीसरी लहर अगर समझिए तो आ चुकी है, रोज प्रत्येक दिन कोरोना का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक राज्य में धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं पाबंदियां लगनी चालू हो गई है। इस बीच हमारे पास एक ही उपाय है कि कैसे हम अपने आप को वैक्सीनेट करें, और इस दिशा में सरकार का, केंद्र सरकार का जो निर्णय है स्वागत योग्य निर्णय है, और इसी योग्य इस निर्णय के प्रति उनके प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं और लोगों से आग्रह भी करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अधिक संख्या में आप लोग वैक्सीन ले। और हम देख रहे हैं कि लगभग जो आंकड़ा आया कि 140 करोड़ से ऊपर लोगों ने अभी तक वैक्सीन ले चुका है, ये दर्शाता है कि यहाँ की जनता जागरूक है, भारत देश की जनता जागरूक है जो वैक्सीन लेने के लिए। एक समय ऐसा था कि जब वैक्सीन लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे, लोगों को गलत फहमियां पैदा कर दी गई थी, तरह तरह का दुष्प्रचार किया गया था, लेकिन सब चीज से लोग जनता अलग हटकर आज वैक्सीनेशन के लिए अपने भी आ रही है। और जब 15 साल और 18 साल का बच्चा, इतने लोगों का फोन आ रहा हम लोग को कि फोन में मतलब बात करना मुश्किल हो जा रहा है कि भाई मेरा बच्चा को वैक्सीन देना, मेरा बच्चा को वैक्सीन देना। लोग उत्साहित है बहुत, और बहुत बड़ी जी बिल्कुल बच्चों में उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों की जो चिंता है वो भी कम होती हुई नजर आ रही की है। दिल्ली से अमर है हमारे साथ। अमर, ये कहा जा सकता है कि जो बच्चे स्कूल जाते थे और अभिभावकों को चिंता रहती थी कि कहीं वो कोरोना संक्रमित ना हो जाए, कहीं ना कहीं उनकी चिंता घट गई है। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की ये जो पहल थी कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कि 15 से 18 साल के बच्चों को ही सरकार ने अलाउ किया है, कहा यह भी जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उसको भी वैक्सीनेट करवाए जाएंगे और उसकी उसकी प्रक्रिया जो वो शुरू हो गई है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे के लिए तो अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है दिल्ली में, लेकिन बड़े बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। कोई भी माता पिता या पेरेंट्स कोई भी हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे सेफ हों। और आप देखे होंगे कि आप घरों में रहते हैं और आपकी फैमिली भी अगर है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो वो चिंतित रहती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये तमाम चीजें उनके उनके जहन में होता है। इसलिए भारत सरकार की जो ये पहल थी और जिन्होंने जो कोशिश की कि जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको करवाया जाए, अब ये प्रोसेस जो है अब 6 साल से 12 साल के बच्चों के 15 साल के बच्चों तक का भी जो है ये स्टार्ट हो गया है। कहा यह जा रहा है कि इसके भी जो ऑब्जर्वेशन है वो चालू है और ऑब्जर्वेशन में अगर सही पाया जाता है तो उनको भी वैक्सीनेट करवाए जाएंगे, क्योंकि अगर अदर वर्ल्ड में अगर जाए, अदर देशों में जाए तो वहां बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब भारत सरकार भी ये कोशिश कर रही है उन बच्चों को, नौनिहालों को भी वैक्सीनेट करवाया जाए ताकि कोरोना से बचाया जाए। और कोई भी पेरेंट्स ये चाहता है कि अगर जब तक बच्चे, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भारत सरकार हो या फिर कोई भी देश हो, वो लगातार ये कोशिशें हैं। इस वजह से आप अगर देखें जो पहल है ये अच्छी पहल है, और यही वजह है कि बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स दोनों जो है एक्टिव है और जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे वो पहुंच रहे हैं और ले रहे हैं और बाहर निकलने के बाद बड़ा खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हल्की फल्की जो सुई लेने के बाद जो दर्द होता है उसका एहसास है, लेकिन ये चाहते हैं कि सुई लेने के बाद सुरक्षित है तो हर कोई लेने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल अमर, बहुत जरूरी है कि सभी बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं, जितनी जल्दी से जल्दी हो वैक्सीनेटेड हो जाए। जैसा कि आपने बताया कि 6 साल से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया है, उस पर काम किया जा रहा है और उस पर रिसर्च भी किया जा रहा है। हमारे साथ देवघर से अमरनाथ बने हुए हैं। अमरनाथ, सारी अगर बात की जाए तो एक तरफ है क्योंकि कोरोना की स्थिति जो बिगड़ती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जो आज पहल की शुरुआत की गई है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जी हाँ अमन, वाकई बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन लोगों में अभी भी उदासीनता है। देखिए मैं जिस टीका केंद्र के पीछे अभी खड़ा हूँ, ये टीका केंद्र पूरा का पूरा खाली है। इस पूरे टीका केंद्र में आज 60 बच्चों ने
अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराया था कि 60 बच्चे आएंगे यहाँ लेने के लिए टीका, लेकिन अभी 10 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी बच्चा यहाँ टीका लेने के लिए नहीं आया है। अब ऐसी स्थिति में अब जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बच्चे आगे आएंगे। और इसको लेकर के कुछ हमारे स्कूल के संचालकों से भी अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई, ठीक। तो जब तक स्कूल के संचालकों पर इसकी जिम्मेवारी नहीं सौंपी जाएगी, या सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सबके प्रधानाध्यापकों पर इसकी जवाबदेही हो कि वे अपने यहाँ जो 15 साल से ऊपर के जो किशोर हैं और उन बच्चों को सारे के सारे सभी के सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए उत्प्रेरित करें और आवश्यक करें, तभी जाकर के ये सफल हो पाएगा अभियान। अन्यथा आप देख सकते हैं कि अभी देवघर में खास करके जो अभी बना हुआ है माहौल, ये लोग अभी भी उदासीन है, अभी तक कोई भी व्यक्ति चिंतित करने वाली बात है, क्योंकि वहां पर अभी भी एक भी बच्चे नहीं पहुंचे हैं वैक्सीन लेने के लिए। बहुत बड़ी चिंता का ये विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर जो है वो जागरूक की कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अमर, आप तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। सच है तो दिखेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो कोरोना के मामले एक तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो पहल की शुरुआत की गई है वो बहुत ही अच्छी पहल है। आपको बता दें तो आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रहा है, और कई जगह ये भी देखा गया है, जैसे देवघर की अगर हम बात कर ले तो देवघर में केंद्र में वहां पर वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता की कमी है। बच्चे वहां पर अभी तक वैक्सीन लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो हमारे साथ सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है अभी? बिल्कुल अमन, देखिए जमशेदपुर में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उस तरीके से बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि मैं आपको एक सेंटर दिखाता हूं, राजेंद्र विद्यालय का सेंटर है। कुछ स्टूडेंट तो जरूर आया वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन वैक्सीन का जो डोज होता है कम से कम 20 लोग पहुंचेंगे, 20 युवा पहुंचेंगे, तभी उसके बाद दिया जाएगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि गार्जियन के साथ कुछ स्टूडेंट पहुंचे हैं, इंतजार हो रहा है कि 20 स्टूडेंट पहुंच जाएंगे तब जाके यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हो गया। देखिए जो वैक्सीनेशन देने वाले लोग हैं, जो नर्सेस है वो पहुंच गई है, वो अपनी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, और एक युवक भी अपने बारे का इंतजार कर, चूंकि 20 स्टूडेंट या 20 युवक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये वैक्सीन का डोज खोला नहीं जा सकता। हालांकि इंतजार कर रहे हैं, सुबह के वक्त है, धीरे धीरे स्टूडेंट पहुंचेंगे। लेकिन जो राजेंद्र विद्यालय का जो ये सेंटर बनाया गया, यहाँ पे आसपास के जो स्कूल कॉलेज है वहां के भी बच्चे यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जब तक 20 बच्चे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा, लेकिन बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर हम पूरे जिले की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में 10 जगह वैक्सीनेशन किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में 8 स्थायी केंद्र बनाए गए हैं। जैसे ये राजेंद्र विद्यालय है, यहाँ इसके जो यहाँ पे जो स्टूडेंट आएंगे वो वुमेन्स कॉलेज के हो गए हैं, ये अन्य कॉलेज के आसपास के कॉलेज है उसके स्टूडेंट पहुंचेंगे। देखिए कुछ छात्र आए हैं, लेकिन हम पहले जान लेते हैं, हालांकि वैक्सीन अभी नहीं ली है, लेकिन ये पहल जो शुरुआत हुई है कितना अच्छा है ये पहल। अगर ये आज से आप लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, अपने आपको आप सिक्योर महसूस कर रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हैं, और सबको लेना चाहिए वैक्सीन, सबके लिए अच्छा है। थैंक यू। क्या कहेंगे जी? वैक्सीन लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के सबके मन में बहुत डर था वैक्सीन को लेके, पर जिस तरह से इसकी इनिशिएटिव बढ़ाई जा रही है, अभी सारे युवाओं को आगे आना चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए। मैं इसका बहुत अच्छे से समर्थन करती हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली कि सारे युवाओं को आगे आना चाहिए, जैसे वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, और कई दिनों से ये मांग आ रही थी कि भाई अब बड़े बच्चों को जो युवक हो गए हैं या फिर 12 साल से लेकर 20 साल 18 साल तक के बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन जब इसकी शुरुआत होगी तो उस तरीके से टर्नआउट नहीं हो रहे। सुबह के वक्त हो सकता है कि धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, और उसका विधिवत अगर शुरुआत हम बोलेंगे तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री 12 बजे करीम सिटी कॉलेज से शुरुआत करेंगे। हालांकि बहुत सारे सेंटरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसे अन्य सेंटर है शहरी क्षेत्र में है, आपके टेलको में है, जुगसलाई में है,
या फिर डिमना के क्षेत्र में है, वहां पे इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, आधार कार्ड के दिखाकर यहाँ पे इनका नाम नोट किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 20 लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तब जाकर ये डोज खुला जाएगा और वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। बहुत अच्छी पहल है, ठंड का मौसम है इसलिए बच्चे धीरे धीरे केंद्र का रुख करेंगे और वहां पर जाकर के वैक्सीन लेंगे। अंजनी, देवघर की स्थिति ये देखने को मिल रही है कि वैक्सीन सेंटर पर बच्चे एक भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी दिखती हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती कि कैसे तमाम लोगों को मोटिवेट करें। हम लोगों ने पहले भी बात किया है अमन कि शुरुआती समय में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, बच्चे कम आएंगे, एक संकोच होगा, लेकिन धीरे धीरे तमाम चीजें जो हैं अब व्यवस्थित हो जाएंगे। तो देखिए रांची में हम देखेंगे तो पूरे झारखंड में रांची का जिला स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, इन स्कूलों में सबसे पहले टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी हो गई और तमाम जो स्कूल के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। एक एक बच्चे को कॉन्विंस भी किया जा रहा, बताया जा रहा। हमारे साथ कविता मैम है, उनसे बात करते हैं। मैम, कई बच्चे टीका लिए हैं, अब उन बच्चों को क्या बताया जा रहा? टीकाकरण हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीन सभी को लेना है, लेकिन इसके बाद भी प्रिकॉशंस लेते रहना है। मास्क बच्चे जरूर लगाएं और हैंड सैनिटाइजर या फिर साबुन का प्रयोग करें, साफ सुथरा रहें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें। मतलब वैक्सीन लग गया तो ऐसा नहीं कि वो ये प्रिकॉशंस छोड़ दें, प्रिकॉशंस लेते रहना अभी भी, और संतुलित भोजन भी लें, खान पान अपना सही रखें भीड़ भाड़ वाले इलाके में। देखिए अमन, रांची की जो स्थिति है वो बेहतर है क्योंकि रांची में सुबह 8:15 से कई स्कूलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी हो गई थी। तो रांची में तमाम जो स्कूल हैं, 5 स्कूल अभी चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे सभी जिलों में जो वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कैसे बच्चों को कॉन्विंस किया जाए, क्योंकि कई जगहों में ये परेशानी आएगी कि बच्चे नहीं आएंगे, अभिभावक रोकेंगे, लेकिन ये उन्हें कॉन्विंस करना स्कूल का काम है, उन्हें कॉन्विंस करना प्रशासन का काम है, क्योंकि ये एक बड़ा सुरक्षा कवच है। क्योंकि अभी देखिए 10 और 12 की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, तो उसके पहले बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो 28 दिनों के बाद जब दूसरा टीका लगेगा, डबल डोज होगा, तो फिर परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी जी बिल्कुल अंजनी, उनके अंदर डर नहीं रहेगा कि हम कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टर होगी और जो संक्रमित होने की संभावना है वो कम हो जाती है। दिलीप, क्योंकि अभी भी जागरूकता की कमी लोगों के अंदर देखी जा रही है, बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अभिभावकों को भी और भी जागरूक करने की जरूरत है? देखिए, और भी जागरूक करने की जरूरत है और अभिभावक भी जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को जल्दी से जल्दी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लाएंगे और टीकाकरण अभियान से जोड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है बच्चों के टीकाकरण के। देखिए हमारे साथ कुछ छात्र रही है, सुबह से यहाँ पे पहुंचे, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। गुजराती स्कूल जो कैंप बनाया गया है यहाँ पे टीकाकरण अभियान का, और सुबह से यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पे समाज सेवी लोग हैं वो जुटे हुए और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस अभियान से जोड़ा जाए। देखिए हम इनसे बात करेंगे, कितना अच्छा पहल है ये, आप लोगों को भी अब टीकाकरण अभियान से जोड़ा जाएगा? बहुत अच्छा पहल है, यहाँ तो सभी लोगों को टीका पड़ रहा है। जी, हम एक स्टूडेंट है और ये मोदी जी को हमें धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग का टीका वैक्सीन निकाल दिए। आप बताइए। हम लोग को मोदी जी वैक्सीन दे रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को क्या डर भी लगता था कि टीका लेना है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं। देखिए ये स्कूली छात्र हैं यहाँ पे, ये कितने उत्सुक है इस केंद्र पे पहुंचे हुए और टीकाकरण अभियान से अपने आप को जोड़ने के लिए पहुंचे हुए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे ही पहल हर छात्र को करनी है और छात्र के जो साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी पहल करनी है और ऐसे केंद्रों पे उनको लेकर के आना है जहां पे
अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, बच्चों के अंदर उत्साह वो देखा जा रहा है और बच्चे मोदी जी का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन उनके लिए निकाला गया है तो ये वो शुक्रिया भी किए। अमरनाथ देवघर की जो स्थिति बनी हुई है और अगर केंद्र की बात की जाए तो क्या वहां भी यही स्थिति देखने को मिल रही है? जी अमन, देखिए अभी यहाँ पर भी देवघर में भी ये शुरुआत हो चुकी है और भी मेरे साथ एक युवा है जो कि आकर के भी उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम तो ठीक महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को आप धन्यवाद करते हैं? हाँ, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, ताकि सरकार हम लोग को फ्री में वैक्सीन सभी को दिलवा रही है, सरकार की अच्छी बात है। और युवाओं के लिए? और युवाओं को क्या, आए और वैक्सीन ले बिना किसी संकोच का। बहुत कोई डर है मन में, वो डर को हटाए आके। किस प्रकार का, आपको भी कोई डर लगा क्या? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगा। मेरे घर में सबको वैक्सीन लिया हुआ था, एक हम ही बचे हुए थे। हम भी इसीलिए जल्दी जल्दी हम भी लेने के लिए आए और हम भी ले लिए आज। जी अमरनाथ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे वैक्सीन लेने के लिए उत्सुक हैं और वो देखा भी जा रहा है कि वो केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले भी रहे हैं। और हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, बच्चों के अंदर उत्साह भी देखा जा रहा है, जैसा कि हमने अभी दिलीप जी से जब बात कर रही थी, दिलीप कुछ बच्चे से बात कर रहे थे और उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। बिल्कुल अमन, देखिए बच्चे शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से यह मांग चल रही थी कि बच्चों का जो है डोज उसको देना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए और उसकी शुरुआत आज से हो भी गई है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को टर्नआउट करना था वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिख रही है। हालांकि गार्जियन को भी इस और आगे आकर इस सेंटर तक पहुंचना चाहिए। बच्चे पहुंच रहे हैं लेकिन वही है कि सुबह के वक्त है, थोड़ी ठंड है तो बच्चे आएंगे ही। देखिये ये बच्चे जितने बैठे आपको नजर आ रहे होंगे ये सारे के रजिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन 20 लोगों का जब तक नहीं होंगे, 20 छात्र नहीं होंगे, 20 स्टूडेंट नहीं होंगे तब तक ये वैक्सीन नहीं खोला जाएगा। ये नियम है और उसी के तहत देखिए बारी का इंतजार कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे, आज से वैक्सीनेशन चालू हो रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, और आपके जो कलीग्स, आपके जो और छात्र है क्या उसको मोटिवेट करेंगे क्योंकि अभी तक सेंटर में बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचे? आज पहला दिन है, उसीलिए मैं भी थोड़ा लेट हो रहा है, आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि बाकी सब भी वैक्सीन ले क्योंकि लेना जरूरी है, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो आए और ले वैक्सीन। जी प्रभात, बिल्कुल, जो बच्चे सेंटर पर पहुंचे हुए हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि आप भी आए सेंटर पर और वैक्सीन ले। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लोग पहुंचे वैक्सीन सेंटर पर और वहां जाकर के वैक्सीन ले क्योंकि आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, जो कि सभी जगह पर केंद्र की वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप जागरूक हो, वैक्सीन ले और कोरोना संक्रमित होने से बचें। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।